पुरु ने अपनी जवानी दे दी। पुरु को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को राजगद्दी का उत्तराधिकार भी रहेगा, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा मानकर अपनी जवानी दे दी। कालांतर में इन्हें ग्लानि हुई, पुत्र की जवानी लेकर के मैं संसार में पड़ा, संसारी वासनाओं में पड़ा हूँ, इसलिए पुनः इन्होंने अपनी बुढ़ापा वापस ले ली और बेटे की जवानी वापस दे दी। इन पुरु के वंश में ही आगे चल करके वर्णन करते हैं कि हे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, पुरोर वंशम प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत। अब मैं पुरु के वंश का वर्णन करूंगा जिस वंश में हे परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। ययाति जी के वंश में ययाति जी के जो पांच पुत्र थे उनमें एक यदु, जिनमें श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है, और सबसे छोटे पुरु के वंश में कौरव पांडव इत्यादि हुए हैं बाद में चल करके। अभी पुरु के पुत्र हुए जनमेजय के प्रचिन्वान के प्रवीर, उनके नमस्यु, उनके चारुपद। इसी वंश में कई पीढ़ी के बाद रईभ्य नाम के एक राजा हुए, जिनके पुत्र हुए दुष्यंत, जिनका विवाह विश्वामित्र जी की बेटी शकुंतला के साथ हुआ था, जिनसे भरत नाम के बड़े ही प्रतापी पुत्र हुए, जो बचपन में सिंह के बच्चों के साथ खेला करते थे। और सिंहनी गुर्राती तो कहते कि तेरे दांत तोड़ दूंगा अगर गुर्राई तो, जैसे गामड़े के बच्चे पिल्ला के साथ खेलते हैं, ऐसे ये भरत इतने प्रतापी पराक्रमी कि सिंह के बच्चों के साथ ऐसे खेलते थे जैसे पिल्ला का बच्चा। सिंहनी भी इनसे भय खाती थी बचपन में। ये श्री भरत जी बड़े ही प्रजापालक प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर ये अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, युधिष्ठिर इत्यादि हुए। इसीलिए इन लोगों को श्री सुखदेव जी ने अथवा श्याम सुंदर ने जगह जगह भारत कह कर करके संबोधन किया है। तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि इत्यादि। भरत वंश प्रसूत होने के कारण भरत जी के वंश में कई पीढ़ी के बाद रंतदेव नाम के एक राजा हुए, बड़े उदार चेता। एक बार इनके राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा का दुख देखा नहीं गया, इन्होंने खजाना खोल दिया। खजाना रहकर क्या करेगा यदि प्रजा भूखे तड़प के मरेगी तो? खजाना में कुछ आवे नहीं, केवल निकले ही निकले तो खजाना कितना दिन साथ देगा? खजाना खाली हो गया, प्रजा का दुख देखा नहीं गया, तो रंतदेव जी जंगल में चले गए। 47 दिन भूखे प्यासे रहे। इतना भीषण अकाल था कि महाराज भोजन अन्न की कौन कहे, पेड़ के पत्ते, छाल और घास और पानी की बूंद तक मिलना दुर्लभ हो गया था। 48वें दिन मात्र इतना ही भोजन मिला कि राजा, रानी और राजकुमार का एक शाम का एक बार का भोजन होता। एक ब्राह्मण आए, राजन मैं 3 दिन का भूखा हूँ। राजा ने नहीं कहा कि मैं 48 दिन का भूखा हूँ, ठीक है, अपना भोजन का थाल दे दिया। रानी भी अभी कौर नहीं उठा पाई थी तब तक, एक शूद्र आया, बाबू मैं 5 दिन का भूखा हूँ। रानी ने भी अपना हिस्सा का भोजन उस शूद्र को दे दिया। राजकुमार भी अभी कौर नहीं उठा पाया था तब तक, एक चांडाल आया, बाबू मैं 8 दिन का भूखा हूँ। राजकुमार ने भी अपना भोजन का थाल दे दिया। अब परिवार ने सोचा कि भोजन का तो सदुपयोग हो गया परोपकार में, 48 दिन से पानी की एक बूंद भी कंठ के भीतर नहीं गई है, थाल धोकर कम से कम जल तो पी लें। लेकिन तब तक उस चांडाल के साथ का कुत्ता गिर पड़ा, छटपटाने लगा। चांडाल बोला, राजन बड़े उदार हो, मेरे साथ का कुत्ता प्यास के मारे छटपटा कर गिर गया, इसके प्राण बचाओ, पानी के बिना कड़प के प्राण त्यागने जा रहा है।
जल भी दे दिया रंतिदेव जी ने, तो क्या ये परिवार भूखे तड़प जाएगा? बोले नहीं, पर्दा बदल गया। वह ब्राह्मण शूद्र चांडाल और कुत्ता, ब्राह्मण शूद्र चांडाल और कुत्ता नहीं रह गए, उनकी जगह पर ब्रह्मा विष्णु महेश और धर्म, ये चारों प्रकट हुए। बोले राजन, हम आपकी त्याग प्रतीक्षा सेवा उपकार और प्रेममयी भावना से अत्यंत प्रसन्न है, आपकी जो इच्छा हो सो वर मांगिए, कहिए आपका गया हुआ राज्य दे दे वापस का नहीं, न तो हम काम है राज्यम, आ राज्य का त्याग करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग ले लो। बोले न स्वर्गम, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का उत्सर्ग करोगे तो मोक्ष मिलेगा। बोले न अपुनर्भवम, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगो राजन। बोले हाँ, एक चीज दीजिए। क्या? कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम, आज जो जल और अन्न के बिना, घास और पत्ते के बिना प्रजा तड़प रही है, इन सब लोगों का कष्ट दूर हो जाए, यही मांगता हूँ। ये सज्जन की मांग है बंधुओं, और राक्षस की मांग ठीक इसके विपरीत। भस्मासुर जिसको कहते हैं लोग, नाम तो था बृकासुर, भगवान शंकर ने पूछा क्या चाहते हो? बोले जिसके सिर पर हाथ धरू उसका विनाश हो जाए। राक्षस में और सज्जन में सींग और पूछ का अंतर नहीं होता है, यही भाव और आचरण का अंतर होता है। राक्षस वह है जो अपने स्वार्थ के लिए औरों को सताना पसंद करता है, और सज्जन वे हैं जो अपने सुख को औरों में बांट करके औरों का दुख अपने ऊपर लेकर के और भुगतते हैं, ताकि सबका दुख दूर हो जाए, ये चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि इन लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, उसका फल इनके प्रारब्ध में दुख अगर लिख कर आया है तो बिना भुगते नष्ट होगा, नहीं तो उसको कौन भोगेगा? बोले कि उनके बदले का दुख हम भोग लें और हमारे बदले का सुख ये सबको प्राप्त हो। न काम ए हम गति काम पुनर्भवम आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजामंत स्थितो येन भवंत दुखा, सबके बदले में दुख मुझको मिल जाए, मैं सबका दुख अकेले भोगूं चाहे जितने दिन लगे, और मेरा मुझे मिलने वाला जो सुख वाला कोटा है इसमें सब लोग सुखी हो जाएं, ये संत की मांग है। ये संतों के चरित्र दर्पण है। दर्पण शीशा दो तरह से काम करता है, एक तो क्या बोलते हैं चश्मा, इसके रूप में आगे वाले को देखा जाता है, और एक दर्पण उसमें अपने को देखा जाता है। इन संतों का और भगवंत का जो चरित्र है ये दोनों तरह का काम करता है। इसमें आप अपने को भी देख सकते हैं कि मैं किस श्रेणी में हूँ, और अगर इनको अपनी आंख पर चढ़ाए रहेंगे तो इससे परमात्मा भी सामने वाले दिखाई पड़ेंगे। आइए इन्हीं के वंश में आगे चलकर कई पीढ़ी के बाद प्रतीप नाम के एक राजा हुए। प्रतीप के तीन पुत्र थे, देवापी, शंतनु और बाल्लीक। देवापी बड़े हैं, राजगद्दी पर इन्हीं का अधिकार था, लेकिन इन्होंने कहा कि हम भजन करेंगे, हम योग साधना करेंगे, तो देवापी जंगल में चले गए भजन करने के लिए। तब इनके छोटे भाई शंतनु जी को राजगद्दी मिली। ये शंतनु जी का नाम शंतनु क्यों पड़ा है, ये कारण दिया गया है, यम यम कराभ्याम स्पृशत जीर्णम यौवन में तिसह शांतिम आपनोति चैवाग्र्याम कर्मणा तेन शंतनु हो। जिनको जिनको छू देते थे अपने तनु मने शरीर से, उनका कल्याण हो जाता था। शम मने कल्याण और तनु मने शरीर, लोगों का कल्याण करने वाला इनका शरीर। किसी अंधे को छू देते तो उसकी आंख में रोशनी आ जाती थी, किसी लूले लंगड़े के ऊपर हाथ फेर देते तो उसे चलने फिरने की शक्ति हो जाती थी, किसी बूढ़े को के ऊपर हाथ फेर देते तो उसमें जवानी आ जाती थी, इसीलिए इनका नाम पड़ा है शंतनु। शंतनु जी की पत्नी के रूप में काफी दिन तक गंगा मैया इनके यहाँ पत्नी के रूप में रही। गंगा जी देवी हैं,
लेकिन मानवी के रूप में क्यों रही? कामधेनु गऊ ने शाप दिया था। एक बार कामधेनु गऊ के पीछे 5000 सांड घूमते हुए देखकर पार्वती जी हंस गई और गंगा जी हंस गई। कामधेनु गऊ ने शाप दिया, मैं तो पशु शरीर में हूँ, मेरे पीछे 5 सांड घूमते देखकर तुम हंस रही हो अपने देवीपने में। जाओ पार्वती, तुम मानवी बनोगी और तुम्हारे 5 पति होंगे, वही द्रौपदी बनी है। और गंगा जी को शाप दिया कि तुम्हें अपने देवीपने का गुमान है, मेरे ऊपर हंस रही हो, तो जाओ तुम्हें भी कुछ दिन मानवी बन करके धरती पर रहना पड़ेगा। उसी शाप को निपटाने के लिए गंगा जी को आकर हस्तिनापुर के चंद्रवंश की गद्दी पर उन दिनों में जो राजा थे श्री शंतनु जी महाराज, इनकी पत्नी के रूप में रहना पड़ा। इनके गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न हुए। 7 को तो अपनी लगाई हुई शर्त के अनुसार गंगा जी अपनी गोद में, अपनी धारा में ले गई। 8वें में भीष्म जी प्रकट हुए हैं। बचपन का नाम है इनका देवव्रत। जब इनको भी अपनी गोद में ले जाने को तैयार हुई, तब शंतनु जी ने कहा, देवी एक तो उत्तराधिकार संभालने के लिए रहने दो। तो गंगा जी ने उन्हें योग्य बना करके इनकी गोद में सौंप दिया और शाप निवृत्त होकर के, और फिर ये अपने देवी स्वरूप में अभी भी स्थित है, जगत का कल्याण कर रही हैं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। अब जब गंगा जी अपने स्वरूप में स्थित हो गई, तब इसके बाद शंतनु जी को पत्नी की आवश्यकता महसूस पड़ी। दिन घरनी घर भूत का डेरा, राज परिवार में घर सुना सुना लगने लगा। तो इनके मन में विवाह की इच्छा हुई। दास राज ने जिसको पाला था, सत्यवती नाम की कन्या जो मत्सी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए मत्स्योदरी, मत्स्यगंधा इत्यादि नामों से पुकारी जाती थी, नाम था इनका सत्यवती, उनको पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहा। दास राज ने शर्त लगाई, यदि मेरी पुत्री के पुत्र अर्थात मेरे देवता को राजगद्दी देने का वचन दीजिए, तो अपनी बेटी का ब्याह आपसे कर सकता हूँ। तो इन्होंने कहा कि अभी गंगा के गर्भ से समुत्पन्न पुत्र सुयोग्य देवव्रत विद्यमान है, उसको छोड़कर आपके देवता को गद्दी का संकल्प कैसे कर दें। तो देवव्रत को जब मालूम हुआ, तो इन्होंने कहा, पिताजी आप ब्याह कर लें, मैं राजगद्दी से अपने को वंचित कर लेता हूँ। तब दासराज ने कहा, कहीं इनके बाल बच्चों ने दावा कर दिया तो? तो देवव्रत जी ने पुनः संकल्प किया, ऊपर हाथ उठाकर अर्थात ऊपर वाले को साक्षी दे करके कि मैं जीवन भर ब्याह ही नहीं करूंगा, बाल बच्चे कहाँ से होंगे और गद्दी पर दावा कहाँ से करेंगे। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम पड़ा भीष्म। इनका नाम पड़ा भीष्म। पिताजी ने इनको आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने मेरे पीछे अपने वैवाहिक सुख का परित्याग किया है, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, जब तक तुम नहीं चाहोगे शरीर छोड़ना, तब तक मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आ सकती है। अपनी इच्छा से शरीर त्यागना चाहो तो भले त्याग सकते हो। इसके बाद सत्यवती से श्री शंतनु जी का विवाह हुआ और शंतनु जी ने अपनी सत्यवती नाम की पत्नी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हुए चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद मारा गया चित्रांगद नाम के एक गंधर्व के द्वारा, और विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां हुई जो काशी नरेश की बेटी थी। काशी नरेश की श्री हरे नमः, काशी नरेश की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उस श्री हरे नमः, काशी नरेश की 3 बेटियों का स्वयंवर हो रहा था और श्री
भीष्म जी ने बलपूर्वक तीनों का स्वयंवर में से हरण किया, अपने लिए नहीं अपने भाई विचित्र वीर्य का विवाह करने के लिए। उनमें से एक जो बड़ी थी अम्बा, उसने कहा कि मेरा मन साल्व के साथ विवाह करने का था, तो श्री भीष्म जी ने उसको वहीं रथ से उतार दिया। ये साल्व के पास गई तो साल्व ने कह दिया कि जब भीष्म तुम्हारा हरण करके ले गए तो अब मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा। फिर वो भीष्म के पास आई कि तुम मुझे हरण करके लाए हो, इसलिए मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। भीष्म जी ने कहा कि मैं अपने पिताजी को वचन दे चुका हूँ, ब्याह नहीं करूंगा। तब वो परशुराम जी के पास गई, अपने चेले को समझाओ मुझसे विवाह कर ले। परशुराम जी ने कहा तो भीष्म जी बोले कि मैं ईश्वर को साक्षी देकर शपथ ले चुका हूँ, इसलिए ब्याह नहीं करूंगा। परशुराम जी ने कहा कि ब्याह नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, मुझे जिससे युद्ध करना होगा, मतलब क्षत्रिय होने के नाते युद्ध कर सकता हूँ, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा। युद्ध घमासान हुआ, लगा कि महाराज जगत घबरा जाएगा। अंत में देवताओं ने, ऋषियों ने श्री परशुराम भीष्म से कहा कि अब आप युद्ध विराम दे दें। बोले हमने युद्ध नहीं छेड़ा है, युद्ध गुरुजी ने छेड़ा है, गुरुजी अपनी तरफ से बंद करे तब युद्ध बंद हो सकता है। श्री परशुराम जी को समझाया गया, परशुराम जी प्रसन्न हुए, बोले बेटा तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। युद्ध बंद हुआ। फिर वही अम्बा नाम की काशी नरेश की बेटी भीष्म जी से बदला लेने के लिए शिखंडी के नाम से जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु में कारण बनी है। आइए इधर दो जो काशी नरेश की बेटियां थी अंबिका और अंबालिका, इनके साथ अपने भाई विचित्र वीर्य का ब्याह किया था श्री भीष्म जी ने। इन दोनों पत्नियों के प्रति इतनी आसक्ति हो गई विचित्र वीर्य की कि ये यक्ष्मा रोग से ग्रस्त हो गए। यक्ष्मा में जिसको आजकल टीबी बोलते हैं, फेफड़े को कीड़े खा जाते हैं। अब इनकी संतान वंश परंपरा कैसे चलेगी? वेदव्यास जी से प्रार्थना की गई। वेदव्यास जी ने कहा जब मैं भजन में रहूं तो उस समय उन दोनों से कह दो कि मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजर जाए तो मेरी दृष्टि मात्र से उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। वे दोनों निकली इनके आगे से, सो तो निकली ही, उनके साथ सेवा में रहने वाली एक शुद्रा दासी भी निकली। तो उन दोनों में से एक तो लाज के मारे आंख बंद करके निकली, इसलिए उसके गर्भ से अंधा पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ धृतराष्ट्र, और दूसरी भय संकोच के मारे पीली पड़ गई तो उससे पीला पुत्र हुआ जो पांडु कहलाए। और वो दासी इनको साक्षात भगवत अवतार हैं श्री वेदव्यास जी और संत प्रवर हैं, इनसे क्या संकोच। बड़ी श्रद्धा भक्ति से प्रणाम करती हुई निकली, उसके गर्भ से बहुत बड़े भक्त पुत्र उत्पन्न हुए श्री विदुर जी महाराज। बोली श्री विदुर जी महाराज की। श्री विदुर जी महाराज बहुत बड़े भक्त हुए, क्योंकि वेदव्यास जी की दृष्टि से ही धृतराष्ट्र, पांडु और ये विदुर जी प्रकट हुए थे, इसलिए कौरव पांडव दोनों विदुर जी को चाचा विदुर जी कहते हैं, चाचा जी कहते हैं। विदुर जी की कथा आप पहले सुन चुके हैं। अब धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हुआ, जिनसे कि दुर्योधन, दुशासन इत्यादि 100 पुत्र हुए और दुशला नाम की एक कन्या हुई। पांडु की दो पत्नियां हुई, कुंती और माद्री। तो कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश से हैं, धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर और इंद्र के अंश से अर्जुन और पवन देव के अंश से भीमसेन। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 कुंती के गर्भ से पांडु के पुत्र हुए। और माद्री के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव। द्रौपदी इन 5 की संयुक्त पत्नी हुई,
द्रौपदी के अतिरिक्त भी इनकी अलग अलग भी पत्नियां थीं। उनमें से अर्जुन की दूसरी पत्नी का नाम है सुभद्रा, जो भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन है, और उस सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जिनकी उत्तरा नाम की पत्नी के गर्भ से हे परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। इस प्रकार से श्री पूरु जी की वंश परंपरा का वर्णन किया परीक्षित जी तक। पूरोर वंशम प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत। अब आगे वर्णन करते हैं, ये पूरु जी ययाति के पांच पुत्रों में सबसे छोटे थे। अब उनसे जो बड़े जो अनुद्रुहु तुर्वसु इत्यादि हैं, उनके भी वंश का विस्तृत वर्णन करते हुए और यदु जी के वंश का वर्णन करते हैं, जिस यदु जी के वंश में यदुनाथ कहलाने वाले, यदुवीर कहलाने वाले, यदुवंश विभूषण कहलाने वाले श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए। श्री यदु जी के वंश में आगे चलकर कई पीढ़ी के बाद सूर नाम के एक महापुरुष हुए, जिनकी मारिशा नाम की पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 10 पुत्रों के नाम हैं वसुदेव, देवभाग, देवस्रवा, आनक, श्रृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, बत्सक और ब्रिक। इनमें वसुदेव जी सबसे बड़े हैं। वसुदेव जी का विवाह देवक की 7 कन्याओं से हुआ था। ये देवक और उग्रसेन 2 भाई थे। इनमें से उग्रसेन के तो कंस पैदा हुआ था और कंसा इत्यादि कन्याएं भी थी, और देवक की 7 कन्याएं थीं, जिनसे जिनके नाम है धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। इन 7 पत्नियों के अतिरिक्त भी वसुदेव जी की और भी कई पत्नियां थीं, जिनके नाम है कौरवी, रोहिणी, भद्रा, रोचना, इला इत्यादि। इनमें से रोहिणी के गर्भ से बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत इत्यादि हुए। सभी के पुत्रों के नाम दिए गए हैं। देवकी के गर्भ से 8 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। देवकी के 8 पुत्र हैं कीर्तिमान, सुखेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार बलराम जी, और 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण, और 9वें गर्भ से हे परीक्षित तुम्हारी दादी सुभद्रा। भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के 8वें गर्भ से कंस के कारागार में मथुरा में प्रकट हुए, और प्रकट होते ही भाग कर गोकुल चले गए, और गोकुल में श्री नंद जी के यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर पाल लीला, मधुर मधुर की उतना तृणावर्त, अगासुर इत्यादि असुरों का उद्धार करते हुए, काली मर्दन, गोवर्धन धारण, रास क्रीड़ा, माखन चोरी इत्यादि मधुर मधुर लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को सुख देते हुए लगभग 11 वर्ष की अवस्था में जाकर मथुरा में पुनः कंस का वध किए, और माता देवकी और वसुदेव पिता इनका बंदी मोचन किए, उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाए और उपनयन संस्कार करा करके गुरुकुल में सांदीपनी गुरु के यहाँ उज्जैन अवंतीपुरी पढ़ने गए। वहां से लौट करके उद्धव को ब्रजगोपियों की सांत्वना के लिए ब्रज में भेजा, और उसके बाद उद्धव के लौटने के पश्चात जरासंध से युद्ध हुआ, 17 बार उसको हराए, 18वीं बार भाग कर मथुरा से द्वारका चले गए, और द्वारका में 16,108 रानी पटरानी इनके हुई, और सबसे 10-10 पुत्र और कन्याएं भी हुई। श्री सुदामा जी जैसे भक्तराज पर कृपा करते हुए, पांडव भक्तों पर कृपा करते हुए, और शिषपाल, दंत भक्त इत्यादि असुरों का विनाश उद्धार करते हुए महाभारत के युद्ध को बहाना बनाकर पृथ्वी का भार उतार कर और उद्धव जी को एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश करके और भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। पृथ्व्याः सवै गुरुभरं क्षपयन् कुरुणामन्त समुच्च कलिना युधिभूप चम्ब
दृष्ट्या विधूय विजय जय मुद्विघोष्य प्रोच्युद्धवाय च परम समगात स्वधाम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्याम अष्टादशसहस्र्याम पारमहंस्याम संहितायाम नवमस्कन्धे श्री सूर्य सोम वंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनम नाम चतुर्विंशोऽध्याय। इति नवमस्कन्ध संपूर्ण। हरि ओम तत्सत्। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सजावट करके श्री कन्हैया जी की जन्मोत्सव बधाई मनाने के लिए तैयार बैठे हैं। इन्होंने चट जन्म भी करा दिया और पट धाम भी पहुंचा दिया। हमने ऐसा नहीं किया। श्री सुखदेव जी ने बहुत संक्षेप में श्री कृष्ण चरित्र नवम स्कंद में कह करके अध्याय और स्कंद को विश्राम दे दिया। यद्यपि श्री रामावतार का चरित्र श्री परीक्षित जी ने बारंबार तत्वदर्शी ऋषियों से भूरी भूरी सुने थे प्रचुर मात्रा में, तथापि दो अध्याय लगाया श्री रामचरित्र में और श्री कृष्ण चरित्र वर्णन में एक अध्याय भी नहीं, आधा अध्याय भी नहीं, लगभग चौथाई। श्री हरे नमः। ऐसा क्यों? चार दिन बीत चले हैं। परीक्षित इतने दिन तक न कुछ खा पाया है बेचारा, न कुछ जल की बूंद तक कंठ में डाल पाया है। कहीं इस बेचारे को भूख न लग रही हो, कहीं ऐसा न सोचे कि अच्छे प्रवक्ता मिले कि सांस भी नहीं लेने देते हैं। कथा ही कथा सूझ रही है, इसलिए एक बार कथा को थोड़ा विश्राम की मुद्रा दे करके और जरा देखो कि कथा के प्रति इनकी आसक्ति, इनका प्रेम, इनकी रति बढ़ी हुई है या कहीं ऐसा तो नहीं। बहुत लोग घड़ी देखते हैं कि बाबा जी कब बंद करेगा कथा, तो ऐसी बात तो नहीं है। अब परीक्षित जी दशम स्कंध में पुनः जिज्ञासा करेंगे, तब श्री सुखदेव जी खूब उत्साह के साथ बोले अब तो आड़े हाथों परोसेंगे श्री कृष्ण चरित्र। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी अब फिर से दशम स्कंध के प्रथम अध्याय में जिज्ञासा करते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवतासु सूर्यो राज्ञाम च वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। भगवान आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का अत्यधिक विस्तृत वर्णन करके सुनाया, बड़ा आनंद आया इन महापुरुषों के चरित्र को सुन करके। और अब आपने ये यदु वंश का जो संक्षिप्त वर्णन कर दिया और खास करके भगवान श्री कृष्ण का चरित्र संक्षिप्त वर्णन किया, इसको विस्तार पूर्वक सुनाइए। कथा तो भगवान की कथा ही है, अमृत को भी लज्जित करने वाली, बड़ी बड़ी औषधियों को भी लज्जित करने वाली, भवरोग को दूर करने वाली, वैसे ही स्वाभाविक ही है। और आप जैसे महापुरुष के श्रीमुख से ये कथा निकले जिनके हृदय में कोई तृष्णा नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, एकदम निष्काम भाव से केवल आस्वादन करने कराने की दृष्टि से गाँव ही सुनही सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतशीला, ऐसे महापुरुषों के श्रीमुख से तो कथा और विश्व मोहिनी और भवरोग को दूर करने वाली होती है। निवृत्त तरसै रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। ऐसा कौन व्यक्ति होगा सिवा पशुघ्न के, सिवा आत्मघाती के, सिवा कठोर कसाई हृदय के अतिरिक्त और कौन ऐसा सहृदय होगा जो भगवान की कथा से उबेगा। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। प्रभु का श्री कृष्णावतार का चरित्र आप और विस्तार से सुनाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से हमारे पूर्वज भी और हम भी बहुत उपकृत हुए हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण खेवैया बनकर के नैया पार नहीं लगाते तो हमारे पूर्वज पांच पांडवों की नैया कौरव सैन्य रूपी सागर में डूब गई होती।
भीष्म द्रोण कर्ण सरीखे दुर्योधन सरीखे मगरमच्छ उन्हें निगल गए होते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ही खेवैया बन करके हमारे पूर्वजों की नैया पार लगाई। पूर्वजों की नैया पार लगाई सो लगाई, द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षिम गतयात चक्रो मातुश्च मेय शरणम गताया। मेरा भी शरीर दग्ध हो गया होता माँ के पेट में ही, लेकिन उन्हीं प्रभु ने मेरी रक्षा की है, मेरी माता उत्तरा की प्रार्थना सुन करके। श्री हरे नमः। दो दो तरह से रक्षा की है, शरीर की भी रक्षा की है और आत्मा की भी रक्षा की है। कैसे? बोले शरीर पर, श्री हरे नमः, शरीर पर तो अश्वत्थामा के अस्त्र का प्रहार होने वाला था, तो भगवान ने शरीर से अपने अस्त्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र का निवारण करके रक्षा की। और मेरी आत्मा पर वाक्य रूपी वज्र का प्रहार श्रृंगी ऋषि के साप का हुआ, तो इससे रक्षा करने के लिए आज वही भगवान हुआ। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।